इंदौर विधवा महिला ने द्वेषपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाकर रेस्टोरेंट तोड़ने पर इंदौर कलेक्टर को दिया शिकायती आवेदन। निपानिया क्षेत्र के तुलसी नगर का मामला। पीड़ित महिला ने तहसीलदार, नगर निगम के बिल्डिंग इंस्पेक्टर और संस्था अध्यक्ष के खिलाफ की लिखित शिकायत। हाल ही में 31 जनवरी को इंदौर के निपानिया क्षेत्र में तुलसी नगर के डी सेक्टर स्थित यस बॉस द फूड कोर्ट नामक रेस्टोरेंट को नगर निगम के माध्यम से तोड़ दिया गया था। उक्त रेस्टोरेंट का संचालन विधवा महिला मीरा मालवीय पति स्वर्गीय संतोष मालवीय द्वारा वर्ष 2020 से किया जा रहा था। इस मामले में महिला ने गुरुवार को जूनी इंदौर तहसीलदार जगदीश रंधावा, नगर निगम के विजयनगर जोन में पदस्थ बिल्डिंग इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह राजपूत, तुलसी नगर वेलफेयर संस्था के अध्यक्ष राजेश तोमर और तुलसी नगर डी सेक्टर के अध्यक्ष नीरज कुमार तिवारी के विरुद्ध पद का दुरुपयोग, द्वेषपूर्ण कार्रवाई, 400 BC कर छूटे, दस्तावेज प्रस्तुत करने, कानून के दुरुपयोग और न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाते हुए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के समक्ष शिकायती आवेदन दिया है। वहीं पीड़ित महिला मीरा मालवीय ने कलेक्टर श्री आशीष सिंह से दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और मामले की अतिशीघ्र उच्च स्तरीय जाँच करने की मांग की है। क्या शिकायत लेकर जब कलेक्टर कार्यालय आए थे, ज्ञापन भी दिया आपने कलेक्टर साहब? मैं यहाँ ये शिकायत लेकर आई थी कि मेरा निपानिया में रेस्टोरेंट है यस बॉस के नाम से, जिसे द्वेषपूर्ण तरीके से और बिना नोटिस के, बिना जानकारी के तोड़ दिया गया है। तो बस उसमें निष्पक्ष जांच चाहती हूँ सर से। क्या कागज किसके नाम से उस रेस्टोरेंट की जो हिस्ट्री वगैरह है? मेरे नाम से। क्यों तोड़ दिया गया आप? उसको रोड की जगह बताई गई है, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी कि रोड की जगह है। तो हमने जिनसे रेंट पर लिया उन्होंने हमें कोई जानकारी नहीं दी है। अब अभी तक तो सब सही चल रहा था, अभी कुछ समय से वो लोग मेरे ऊपर दबाव बनाने लग गए कि ये गलत जगह पे है, आप इसको खाली कर दीजिए। कौन लोग दबाव बना रहे हैं? एक कॉलोनी के अध्यक्ष हैं श्री राजेश तोमर, और तुलसीनगर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं क्या नीरज कुमार तिवारी, ऐसा कुछ नाम है, एक्चुअली मैं भी ज़्यादा जानती नहीं हूँ। और जो कि श्रीमान तहसीलदार जगदीश रंधावा जी हैं, उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई आदेश नहीं दिया और बिना जानकारी के, बिना मुझे कुछ बताया उसको तोड़ दिया। और ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ बताया नहीं है, और दूसरा है कि मेरे रोकने के बावजूद उन्होंने जो मलबा वगैरह है वो मुझ पर ही डालने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल गलत है। कुछ नहीं दिया, कोई जानकारी नहीं दी, और जो नोटिस दिए थे उसका मैंने उनसे जवाब मांगा था, प्रकरण की जानकारी मांगी थी, जो कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुई। इसलिए मैं ये 4 साल से 2020 में लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, और मेरी परेशानी ये है कि वो मैंने मेरा घर, मेरे जेवर वगैरह गिरवी रख के मेरे पति ने और मैंने उसको बनाया था, जो कि अभी तक तो सही चल रहा था। अब कुछ समय से वहाँ बेवजह की दिक्कतें आ रही है, कोई भी आके मुझे धमका देता है, कोई बोलता है मैं भाजपा का नेता हूँ, जैसे राजेश संदीप जोशी, वो बोलते मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं इसको हटा दूंगा। राजेश तोमर आए दिन मुझे गंदी गंदी धमकियाँ दे के जाता है, तो मेरा वहाँ पर कार्य करना बहुत मुश्किल हो गया है। और चूंकि अब उन्होंने मेरा पूरा तो रोजगार अस्त व्यस्त कर दिया है। क्या बोले अधिकारी आपको? अधिकारी कुछ नहीं बोले, आपने हमने आपको नोटिस दिया था, आपने लिया नहीं, चूँकि मैंने उनसे मांगा है, उसका मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराया है कि यहाँ तो सर सिर्फ उन्होंने आवेदन एक्सेप्ट किया है, अभी मुझे सर से कोई ऐसा कुछ खास आश्वासन नहीं मिला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सर तक मेरा आवेदन पहुँचाए, तो मुझे न्याय की और इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। आपका नाम? मेरा नाम मीरा मालवी। कहाँ से आप? मैं इंदौर से ही हूँ। NTV टाइम, जनता की बात, जनता के साथ।